हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो ये दोस्तों, ये कलांचो का फ्लावर्स है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी इसका क्या काम, क्योंकि ये तो विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। तो गर्मी में तो आपने बचा लिया है इसे, और अभी मॉनसून आ गया है, तो इसमें किस तरह से इसकी देखभाल की जाए ताकि पूरा मॉनसून ये प्लांट आपका हेल्दी और स्वस्थ रहे, और फिर से जब फ्लावरिंग का सीजन हो तो ये अपने आप फ्लावरिंग करता रहे। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसे ध्यान में रख के अपने आप कलांचो को आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो उसके मदर प्लांट लास्ट ईयर के थे उसे मैंने सहेज के रखा था। इसे देखिए अभी ग्रोथ हो रही है। तो पहले तो गर्मी के दिनों में मैंने इसे बड़े पेड़ के नीचे में छाए में रखा था, जहाँ थोड़ी थोड़ी छन छन के धूप मिल रही थी इसे। तो ये अभी अच्छा है, लेकिन कुछ प्लांट्स के लीफ हमारे देखिए ये जल गए हैं थोड़े थोड़े, तो ये भी वापस ठीक हो जाएंगे। बस हमें इसे ध्यान से रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कलांचो के प्लांट को ऐसे जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ पर डायरेक्ट बारिश के पानी उस पर ना गिरे। तो आप देखिए, अगर दीवार के साइड में कोई जगह हो रही है जहाँ पर डायरेक्ट वर्षा नहीं होगी उसके ऊपर, वहाँ रखिए, या कुछ भी इस तरह से ग्रीन नेट लगा दीजिए ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट पानी ना पड़े, नहीं तो उसकी पत्तियाँ गल जाएगी, क्योंकि ये एक तरह का सकलेंट है। इसमें देखिए कि मैंने कुछ कटिंग्स जो पहले ग्रो किए थे उसको ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, जो कि अभी अच्छी ग्रोथ हो रही है। दूसरी कि अगर आपने गर्मी के समय में अगर प्लांट्स जो मदर प्लांट्स लगाए थे उसमें मल्चिंग की थी, तो उस जितने भी मल्चिंग किए थे उसको आप हटा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक जो पत्ती दिख रही है ये गल गई है, और ये हमने जो लीप से कट ग्रो किया था वो था, लेकिन बारिश में दो चार दिन ये रह गया बाहर, जिसके कारण वो ख़राब हो गया। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अभी देखिए कि मेरे पास कुछ प्लांट्स, जो दो प्लांट्स हमारे बच गए थे जो कटिंग से मैंने ग्रो किए थे, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। तो इस दो प्लांट को मैं आज लगाने भी वाली हूँ, क्योंकि जो जब मैंने पहले ट्रांसप्लांट किया था अपने कटिंग्स ग्रो होने के बाद, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मिट्टी पहले से बना रखी थी, लेकिन बारिश होने के कारण बहुत ही मिट्टी गीला हो गया, और इस तरह से मुझे मिट्टी को फिर से एक बार थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है ताकि ये थोड़ा सा खुला खुला सा हो जाए। और अब हमें इसमें जो प्लांट्स है उसे निकालना है। तो थोड़ा थोड़ा हमें प्रेस करना है पॉट को, और बिना रूट को डिस्टर्ब किए हम कोशिश करेंगे कि उसमें से प्लांट हमारा बाहर आ जाए। तो देखिए कि हमारे जो प्लांट्स जो गमले होते हैं उसके पीछे से टैप भी करना होता है, तो खुद ब खुद प्लांट बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने प्लांट्स जो कटिंग्स लगाए थे उसके साथ साथ जो लीव्स एक्स्ट्रा लीफ निकले थे उसे मैंने ना फेंक कर उसे भी मैंने ग्रो करने के लिए उसी पॉट में लगा दिया था, और ये सारे एक ही कलर के पौधे निकलेंगे। तो यहाँ भी देखिए, इसमें लीफ डेवलप हो रही है, लीफ में जो रूट्स हो रहे हैं वो डेवलप हो चुके हैं, तो इसे भी हम लगा सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यही रहेगा कि आपने जो कटिंग से ग्रो की है वो उसका ग्रोथ जल्दी होगा, और लीफ से अगर आपने लगाया है तो रूट्स तो आ गई है, लेकिन इसमें जो शूट्स नए निकलेंगे उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कटिंग से लगाएं। तो दोस्तों, हमारा और भी बारिश में किस तरह से बचाएं, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप प्लांट लगाए हैं तो उसे बीच बीच में महीने में एक बार थोड़ी सी गुड़ाई कर दें, ताकि आपकी मिट्टी को थोड़ी सी हवा लग सके, क्योंकि मेन जो इसका जो खराब होने का कारण होता है वो फंगस होता है, और फंगस लगने के कारण ही हमारा कलांचो का प्लांट खराब हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान देना होगा। गुड़ाई करने के बाद आप महीने में एक बार उसमें फंगीसाइड का स्प्रे कर दें। और देखिए, यहाँ पे एक अर्थवर्म भी नीचे से दिखाई दे रही है। तो ये जो अर्थवर्म होते हैं ये हमारे गार्डन के फ्रेंड होते हैं, तो इसे बिल्कुल भी ना फेंके, इसे मिट्टी में ही रहने दें, ताकि हमारे प्लांट्स के लिए वो हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, हमने जब कटिंग्स ग्रो किया था तो उसमें ध्यान रखा था कि हमारा उसमें जो पॉटिंग मिक्स था उसमें कोकोपीट था और थोड़ा सा कंपोस्ट था, तो उसे हमें थोड़ा थोड़ा हटा लेना है, और ध्यान जरूर रखना है कि उसकी जो पूरी मिट्टी ना हट जाए ताकि रूट ओपन ना हो जाए, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी उसकी मिट्टी हटा दी है, और अब हमें इसे रिपोर्ट करना है। साइड से यहाँ देखिए छोटी सी ब्रांच, नई ब्रांच भी निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ इसे हम डिवाइड करके अलग नहीं करेंगे, ये मैं उसी में छोड़ देती हूँ, क्योंकि इससे हमारा प्लांट घना होगा।
और यहाँ पर जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार की है उसमें 40% हमारा गार्डन सॉइल है, 40% रिवर सैंड है और बचा जो 20% उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट ली थी। इसमें एक मुट्ठी नीम खली मिला दीजिए और आधा चम्मच फंगीसाइड, और अगर आप देना चाहे बोन मिल तो बोन मिल भी दे सकते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अभी इसका फ्लावरिंग का सीजन नहीं है। जब फ्लावरिंग का सीजन होगा तब वापस आप इसमें कंपोस्ट दीजिएगा। 2 से 3 महीना आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी कंपोस्ट यूज नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें कंपोस्ट मिलाई हुई है। हाँ, और एक काम इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है वो है इसकी प्रूनिंग, क्योंकि अधिक ब्रांचेज के लिए हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं लेकिन बारिश में अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी फंगस लग जाएगा और फंगस लगने से पूरा प्लांट आप सितंबर आने पे इसमें प्रूनिंग करें ताकि नई ब्रांचेज आए और फिर दिसंबर आते आते तक इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। सेम वे में दूसरे प्लांट्स को भी हमें रिपॉट कर देना है। और देखिए इसमें जो पीछे दिखाई दे रही है ब्लू, ये फंगीसाइड है जो हमने कटिंग्स ग्रो करने के समय लगाई थी, तो इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसे भी रिपॉट कर देना है। और जिस लीफ में रूट्स आ गए थे उसे भी हमें बीच बीच में जो जो स्पेस खाली है वहाँ हमें इसे लगा देना है ताकि ये भी दिसंबर आते आते इसमें नई ब्रांचेज आ जाए, नए शूट्स आ जाए। तो हमने अपने प्लांट्स तो लगा दिए हैं और अब बारी है फंगीसाइड डालने के। तो फंगीसाइड को एक 1 लीटर का ये स्प्रे बॉटल है, इसमें हमने आधा चम्मच फंगीसाइड डाल लिया है और पत्ते पे इसके पूरी तरह से हमें इसे नहला देना है। और देखिए कि जहाँ जहाँ पत्ते में मिट्टी लग गई थी तो उसे भी मिट्टी को वहाँ पे नहीं छोड़े रहना है क्योंकि मिट्टी रहने से वहाँ पे पानी बनी रहेगी और पानी रहने से वो प्लांट आपका गल जाएगा वहाँ पे पत्ता और उसे नुकसान पहुँचाएगा। तो हमें धीरे धीरे करके उसके पत्ते के ऊपर से पूरी जो मिट्टी है उसे भी हटा देना है और अच्छी तरह से पूरे फंगीसाइड से अपने प्लांट को नहला देना है ताकि इसके ऊपर कोई भी फंगस का अटैक अभी ना हो, क्योंकि ये बारिश का समय जो है तो होता है इसमें ही बहुत फंगस का डर रहता है और इसे मेनली हमें फंगस से ही बचाना है। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे पूरी नहला दिया है तो हमारा प्लांट अभी लग गया है, लेकिन गमला काफ़ी मिट्टी गीली होने के कारण काफ़ी गंदा हो गया है। और यहाँ पर देखिए कि हमने जो अपने कलांचों को जो नीचे रखा था पहले बाहर, अभी दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है जो कि उसके मदर प्लांट थे हमारे। हमारे विंडो के नीचे ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर डायरेक्ट पानी नहीं पड़ेगी और विंडो से उससे बचाव हो रहा है उसका। और ऊपर में देखिए कि वहाँ पे जस्ट उसके ऊपर में हमने विंडो में अब मेरे सकुलेंट और कुछ कैक्टस लगे हुए हैं और वो बहुत ही वो भी सुंदर लगते हैं क्योंकि हमारा इस पर भी वीडियो बना हुआ है जिसे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बहुत ही खूबसूरत कैक्टस है ये। ऊपर की तरह हमारे विंडो में कुछ हैंगिंग बास्केट्स लगे हुए हैं, बीच में कैक्टस सकुलेंट है और नीचे कलांचे है। इस तरह एक विंडो में काफ़ी सारे प्लांट्स आ गए हैं। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने कलांचों को अपने पास ही रख पाएंगे, ये कभी भी बारिश में ख़राब नहीं होगा और समय आने पे फ्लावरिंग के टाइम में इसमें फ्लावर्स होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।